For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Hello guys and welcome to Movies Adda. दोस्तों श्रीसंत जो है वो घर में हमेशा या तो लड़ाई के लिए जाने जाते हैं या फिर फ्लिप होने के लिए जाने जाते हैं या फिर अटेंशन अननेसेसरी ग्रैब करने के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, श्रीसंत हाल ही में अभी घर में जो टास्क चल रहा है बीबी पंचायत टास्क, उसमें श्रीसंत पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। दीपक ठाकुर उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि श्रीसंत दोगले हैं क्योंकि वो रिश्तों का फ़ायदा उठाते हैं और साथ ही साथ बहुत घमंडी और अग्रेसिव भी हैं। और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए वो रोहित को बुलाते हैं और रोहित आते ही ये गवाह बनकर ये बोलते हैं कि जिसको वो अपनी बहन मानते हैं यानी दीपिका कक्कड़, उन पर भी वो गालियाँ बकते हैं और उन्हें भी काफ़ी गालियाँ वगैरह देते हैं। अब इस चीज पर श्रीसंत को इतना गुस्सा आ जाता है कि श्रीसंत का गुस्सा फूटता है सीधा रोहित पर। वो उन्हें धमकी भी देते हैं पहले कि रोहित झूठ बोलना बंद कर या फिर इसके बाद जो होगा वो उसका जिम्मेदार सिर्फ तू होने वाला है। लेकिन रोहित नहीं सुनते हैं उनकी बात और रोहित जो है वो कंटिन्यूसली चिल्लाते रहते हैं कि आप झूठे हो, आप झूठे हो, आप झूठे हो। और फिर वो होता है जिसका हम सबको इंतजार डेफिनेटली नहीं था, अनएक्सपेक्टेड था। रोहित जो है वो वॉशरूम जाते हैं और श्रीसंत भागते हुए, लिटरली आप यू विल बी स्केर्ड आज जब आप ये एपिसोड देखेंगे, श्रीसंत भागते हुए जाते हैं बाथरूम में और गुस्से से दरवाजे पर लात मारते हैं जहां रोहित होते हैं बाथरूम में ऑफकोर्स, और चिल्लाते हैं वो तो भला हो घर वालों का, जो घर वाले आ जाते हैं बीच में और उन्हें बचा लेते हैं रोहित को। वरना श्रीसंत काफी कुछ कहते हैं गुस्से में कि ये शो नंबर वन है, मैं भी नंबर वन हूँ, मैं ही ये शो जीतूंगा और तू झूठ बोल रहा है। तो ये जिस लेवल का अग्रेशन श्रीसंत ने दिखाया है ये एक्सट्रीम था एकदम से। और मुझे ऐसा लगता है, डेफिनेटली हम सब जानते हैं कि श्रीसंत पीठ पीछे बहुत बातें बोलते हैं दीपिका के, लेकिन आपका इस चीज पर क्या रिएक्शन है? आपको क्या लगता है, श्रीसंत ने ये अटेंशन ग्रैब करने के लिए किया या फिर श्रीसंत ने ये सच बाहर आ गया उनका कि वो दीपिका के पीठ पीछे गाली देते हैं, तो इस चीज को कवर अप करने के लिए उन्होंने ये सब सिनेरियो रचा? इस चीज पर आपके क्या ओपिनियन है, प्लीज मुझे कॉमेंट्स करके अपने आंसर जरूर बताइए।